अरिया समाज के लोग पिछले 3 महीनों से लगातार राजधानी लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं और आज इनके अध्यक्ष को शायद वार्ता के लिए ले जाया गया है, लेकिन देखने की बात है कि वो वार्ता आखिर किससे है, आखिर मुख्यमंत्री से वार्ता हो रही है या फिर से एक कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। क्या लगता है आज फिर से वार्ता के लिए कितने लोग गए हैं, कितनी कमेटी गई है, कितने लोग कमेटी में गए और क्या बात हुई है वार्ता कराने के लिए? वार्ता कराने वाली बात यह है कि ये तो सिर्फ वार्ता ही कराते रहते हैं। आज लोग हमारे 5 लोग गए यहाँ से, पता नहीं किससे बात वार्ता कराएंगे किससे नहीं। हमारा तो ट्रैक रोको आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारा योगी जी से मुलाकात नहीं हो जाएगी, तब तक या फिर जब तक हमारा काम नहीं हो तब तक ट्रैक रोका ही रहेगा, रोका रहेगा। कहाँ पे ट्रैक रोका गया है? ट्रैक रोका है जिला हाथरस में। तो सुबह से ही ट्रैक रुका हुआ है, सुबह 10:30 या 11 बजे से ट्रैक रुका हुआ है। और जब तक हमारे लोग हटेंगे नहीं, चाहे कितनी भी लाश बच जाएं, क्योंकि हमारे वहाँ पे गढ़ के गढ़ है, वहाँ पे हमारे एरिया को पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हम हटेंगे नहीं वहाँ से जब तक हमारा ये समाधान नहीं हो जाता। अच्छा, क्या लगता है आज अगर मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हुई तो आंदोलन क्या करेंगे? आंदोलन बनाते आओ, जब तक हमारी काम मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, वहाँ से हटने देंगे किसी को, चाहे मरना मजबूर है पर लेन खाली करना मंजूर नहीं है हमको। अच्छा, मतलब जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा। तो आज क्या लगता है मांगे पूरी हो जाएंगी? अगर हमें पहले की तरह 3 दिन की लॉलीपॉप, अगर हमें पहले की तरह 3 दिन की तरह लॉलीपॉप चूसने को दी, आज हम आग लगाकर मर जाएंगे, पर यहाँ से नए रेल हटने देंगे आगे बढ़ने देंगे नहीं, हटेंगे, लेकिन आग लगाना मंजूर है पर यहाँ से जाएंगे नहीं हम। तो हाथरस में रेल की ट्रैक को रोक दिया गया है, अहिरिया समाज के लोगों ने वहाँ आक्रोश जताया है, उसके बाद प्रशासन सचेत भी हुआ है, लेकिन वार्ता के लिए पांच लोग वार्ता के लिए मुख्यमंत्री से मांग थी इनकी। अब देखते हैं क्या बात हुई। मुख्यमंत्री से नहीं मिला जाए, किसी और से मिला, वार्ता के लिए गए, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन करते रहेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ से।